हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्कोर प्लेयर चैनल में। तो आज जो है ना दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपियन लीग क्वालिफायर्स जो है मैच होने वाला है टोरिनी वर्सेस वोल्स के बीच में। तो ये इसके जो मैं नोट्स बना रहा था, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है यूनिक दिखी, तो दोस्तों इसलिए मैं नोट्स जो है पूरे नहीं बना पाया। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इसको पीछे बनाने का एक रीज़न है कि आप लोगों को इतना पता चल जाए कि ये जो दोनों टीम है, ये दोनों टीम जो है टक्कर की टीम है। आप ये नहीं सोचना कि आपका वन साइड विन हो सकता है, वन साइड विन जो है नहीं हो पाएगा इस मैच में। तो आप जो है 6-5 के रेशियो में ही जो है आपको जो है टीम जो है बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टीम जो है गोल दाबने में सबसे आगे जो है हो सकती है और अपने आप को सबसे आगे जो है कर सकती है। और जैसे लास्ट के जो हम मैचेस देखते हैं, लास्ट 5 मैच देखते हैं, उसमें मुझे इतना पता चल गया कि दोस्तों ये जो वॉल्स की टीम है ये भी 5 गोल दाब चुकी है एक मैच में, और जो टोरेंट की टीम है ये भी जो है दोस्तों 5 गोल दाब चुकी है एक मैच में। तो मतलब इनका जो प्लेइंग है, मतलब इनका जो दोस्तों गेम खेलने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो मतलब ये जो दोनों टीम है, ये दोनों टीम एक दूसरे को पक्का जो है टक्कर जो है देगी, और दोनों की दोनों जो टीम है वो अपना विन करवाने के लिए सबसे आगे जो है होगी। बात करेंगे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की, जो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस भी जो है इस वीडियो में जो हम आपको बता देंगे। तो ये जो मैच है ना दोस्तों, ये मैच जो है आज 12:30 बजे जो है होने वाला है, प्लेऑफ लेग 1 ऑफ 2। तो ऐसे लेग 1 ऑफ 2 के पहले भी 3-4 जो है मैचेस हो चुके हैं। तो दोनों टीम जो है 50-50 के रेशियो पे जो है चल रही है दोस्तों, मतलब दोनों टीम के 15% जो है चांसेस हैं दोस्तों विन करने के। तो इसलिए जो है अगर आप ये मैच खेल रहे हैं और टीम डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो दोनों टीम है, आप 3 टीम लेके अगर खेलते हैं, मतलब 6 टीम लेके तो खेलना कोई ताल्लुक नहीं बनता फुटबॉल के मैच में। तो आप जो है 3 टीम लेके खेलते हैं, तो आपको बता दें जैसे कि आप जो है एक टीम में जो है 7:4 जो है अगर आप ट्रॉनी लेके चल रहे हैं, दूसरे में वॉल्स जो है 7:4 लेके चल रहे हैं, और एक में जो थर्ड टीम है उसमें आप 6:5 का लेके चल सकते हैं, क्योंकि उससे एक बैलेंस टीम जो है आपकी जो है बनी रहेगी, और आपको पता चल जाएगा आपको किस हिसाब से जो है दोस्तों गेम प्ले जो है अपना जो है आगे जो है देना है। तो दोस्तों आपको उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है हम बता देते हैं हमारे चैनल को लेके, ताकि आपको जो है पता चलता रहे हर चीज़ के बारे में, जो है आपको नॉलेज जो है मिलती रहे दोस्तों। सबसे पहले जो है मेन है दोस्तों टेलीग्राम। अगर आप लोग हमारी वीडियो जो है देखते हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को जो है पसंद करते हैं, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको सबसे मेन चीज़ है आपको जो हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे जो है जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाता है दोस्तों, नहीं तो अगर आप स्कोर प्लेयर सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। हमारे जो है 275 सब्सक्राइबर है, तो इससे आपको एक चीज़ हो फ़ायदा भी है। तो फ़ायदा आपको ये है कि देखिए, जिसके मिनिमम सब्सक्राइबर होते हैं, तो मतलब जो है टीम अगर हम देते हैं, तो हमारे जो है बहुत मिनिमम लोग ही टीम यूज़ करते हैं हर मैच की, हर बंदा जो है टीम यूज़ नहीं करता, तो मिनिमम बंदे यूज़ करते हैं। तो उससे आपको ये होगा कि अगर आप किसी ऐसे चैनल में हैं जहाँ पे जो है दोस्तों 9K है, 11K है, या फिर 175 ले लो के हैं, तो उनसे आपको एक चीज़ का नुकसान है ना दोस्तों, कि अगर 175K वाले चैनल पे मैं टीम दूंगा, तो उस टीम को अगर मान लो 20,000 बंदे, मान लो नहीं तो 1,000 बंदे भी जो मान लो देख रहे हैं, तो वो 1,000 बंदे भी अगर उस टीम में से 200 बंदे भी यूज़ करते, तो वो क्लैश होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, तो आई होप अगर आप लोग यहाँ पे जो है ज्वाइन होंगे, तो आपकी जो है विनिंग चांसेस जो है ज़्यादा हो सकती है और क्लैश जो है कम हो सकता है, तो इससे आपको थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है दोस्तों। तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी जो है लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, हम जो है इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी जो है हमारा जो है स्कोर प्लेयर करके ही जो है नाम है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए दोस्तों, तो आप जल्दी से जो है ज्वाइन हो सकते हैं। 341 जो है हमारे फॉलोवर जो है हो सकते हैं हो गए हैं,
और इंस्टाग्राम पे जुड़ने का आपको एक फ़ायदा जो है ये हो सकता है कि कभी कभार जो टीम अपडेट है, फाइनल टीम अपडेट है, वो आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर यहाँ पे जो है जुड़ेंगे दोस्तों, तो उससे आपको ही जो है फ़ायदा होगा। तो अब फाइनल बात करते हैं, देखिए अगर आप नए हैं, अगर आप नए हैं और आप हमारी वीडियोस जो हैं देखते हैं और स्टार्टिंग से जो है दोस्तों देखते आए हैं, तो आप प्लीज़ जो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑल पे कर लीजिए। उससे आपको जो है एक चीज़ का तो पता रहेगा कि हमारा जो भी अपडेट होता है टीम का, वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस को जो है दोस्तों लाइक जो है ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक एक बार थे 15+ लाइक, और आई होप आप लोग करवा देंगे, और पिछली बार भी आपने जो है करवा दिया था, तो दोस्तों उसके लिए आपको थैंक यू कि आपने जो हमारा जो है लाइक एम जो है वो पूरा करवा दिया, और आप इतने सपोर्टिव हैं और इतने प्यार जो है हमें जो है कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे फाइनल टीम की। अभी मैंने सिर्फ क्रिएट टीम वन ही करी है, तो आपको जो है फाइनल टीम जो है बता देता हूँ, टोर वर्सेस वॉल। अगर आप टोर को लेके चल रहे हैं अपने बेस्ट पे, तो आपको 7:4 लेके चलने का पड़ेगा, वॉल को लेके चल रहे हैं तो वॉल के 7:4 का। अगर आप दोनों टीम को इक्वल लेके चल रहे हैं दोस्तों, तो आपको लेके चलना पड़ेगा 6:5 का, तो वो आपके लिए बेनिफिट है और बेटर है दोस्तों। तो बात करेंगे यूरोपियन लीग की क्वालिफिकेशन टोर वर्सेज वॉल की। तो टीम वन जो है दोस्तों मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपको बता देता हूँ टीम वन, और आपको हर प्लेयर की जो है बेस्ट एडवाइस जो है दे दूंगा। आर पेट्रिको गोलकीपर, एस सुरगु गोलकीपर, और जे रूडी गोलकीपर, और एच ब्रेंग, ये चार जो है गोलकीपर हैं, और इन चार गोलकीपर की जो है आपको जो है चॉइस जो है मिल सकती है दोस्तों इस मैच में। डिफेंडर की चॉइस के लिए मैं आपको बता दूं, हमें जो डिफेंडर की चॉइस में हमें मिलेंगे जो है एलडी स्वेप्स, ये गोल दापते हैं, टोर की टीम के हैं, तो ये गोल करने में सबसे आगे होते हैं, और इन्होंने पिछले मैचों में गोल भी किया है। फिर हमारे पास जो है वोर के, तो आपको देखो अगर दोस्तों मेन चीज़ है टोर के प्लेयर्स, क्योंकि वोल के प्लेयर्स तो अगर आप पॉइंट्स पे जाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा। सी कैनेडो पिछले मैच में खेला था, आर ब्रेंटल पिछले मैच में खेला था, एम किलमैन ये भी पिछले मैच में खेले थे, जे वली जो ये भी खेले थे, और डब्ल्यू जी, तो आपको प्लेइंग इलेवन जो है वोल्ट की जो बहुत प्यार से मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा मेन है कि आपको टोर्स के प्लेयर जो है पता चल जाए कि टोर्स के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, और जो मैंने चार ये प्लेयर्स लिए हैं टोर के, ये चार जो हैं टॉप प्लेयर हैं जो गोल करने में सबसे आगे हैं, मतलब गोल दाबने में जो है ना दोस्तों ये सबसे आगे हैं। इन चारों ने रिकॉर्ड है इन चारों का कि इन चारों ने अगर मैच खेला है कोई सा भी, तो उस मैच में इनका गोल होने में सबसे पहला हाथ होता है, तो मतलब ये गोल करने में सबसे आगे जो है होते हैं दोस्तों। तो हम आपको डिफेंडर का जैसा बता रहे थे, तो सी गोल्डी, और ये कुछ ऑप्शंस हैं जैसे आपको मिलते हैं पॉइंट्स, आपको पता है तो आपको पता है ये आपके पास ऑप्शन। फिर उसके पास एल डी स्लेप्स, ये गोल करते हैं, फिर ए जीजो, ये भी जो है दोस्तों गोल करने में सबसे आगे हैं, फिर हमारे पास है के बोनिफेस, ये भी जो है गोल करने में जो है सबसे आगे हैं, और ये तीन जो है टोर के प्लेयर्स हैं, मेन टोर के प्लेयर्स, तो आई होप ये जो है ज़रूर खेलेंगे। फिर आते हैं जे मोंचिनो, पी नीटो, और आर ब्रगर्स, ये जो है हमारे पास चॉइस आती है। फिर हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं, आप हमारे पास चॉइस आती है एम गिबैस, आर सेसी, ये सब जो है वोल्स की जो है चॉइस आती है दोस्तों। और हमारे पास चॉइस आएगी अगर टोर की अगर आएगी तो डी बेस्ली, और हमारे पास आते हैं ए ब्रेगोर, ये जो है हमारे पास दोस्तों चॉइस आती है जो है टोर के प्लेयर्स की जो है चॉइस आती है। और एक दो जो चॉइस हो रहा है, अगर मेरे को लगता है कि वी परिगिंग ये भी जो है खेलेंगे, तो दोस्तों फाइनल लाइनअप देखिए, लाइनअप जो है आपको पता है मेन होता है, तो फाइनल लाइनअप जो है अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए आपको बता दें कि फाइनल लाइनअप अभी तक नहीं आया, तो आपको लाइनअप के लिए वेट जो है ज़रूर करना पड़ेगा। तो वेट करने से अच्छा है कि आप लोग जो हमारे साथ टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपको फाइनल लाइनअप भी हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगा, और आपको टीम अपडेट भी जो है मिल जाएगा। तो बात करेंगे आर जिम्स फॉरवर्ड के लिए बेस्ट चॉइस है डी जोटा, गोल दाबने में सबसे आगे हैं अगर हम वॉल के प्लेयर में चॉइस करें, और ए ब्रटी अगर हम टोर के प्लेयर में चॉइस करें, तो कैप्टन लेके चलूँगा मैं इनको, क्योंकि गोल दाबने में सबसे आगे है, पिछले मैच में 2 गोल इन्होंने दाबे हैं, तो इसलिए गोल दाबने में जो है ये सबसे आगे हैं। तो टीम प्रीव्यू करके आपको कुछ बता देते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों में से आप किसी को भी लेके चल सकते हैं बिना जो है सोचे समझे।
अगर आप जो है डिफेंडर में से लेके चल सकते हैं तो ये तीन जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस होगी डिफेंडर के लिए, लेकिन माने तो ये जो है ये कुछ छोटी सी टीम है हमारी जिस टीम को लेके हम अपने साथ आगे चलेंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे और फ्री टीम अपडेट है, आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, तो आप इसलिए जो है वहाँ पे जो है जुड़ सकते हैं, आपको ही फ़ायदा है अगर आप वहाँ पे जो है जुड़ते हैं। तो बात करते हैं हमारी इस टीम की, तो ये टीम हमारी फाइनल है और लाइनअप के बाद जो हम अपनी टीम जो है आपको बता देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइनअप के बाद कौन सी टीम लेके आपको जो है आगे चलना है। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।